बिहार में दो दिन तक बारिश की अब संभावना नहीं है। आपको बता दें 22 अगस्त से फिर से मानसून सक्रिय हो जाएगा। बिहार में आज सभी जिलों में बारिश की संभावना नहीं है, यह स्थिति दो दिन तक बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने 22 से 26 अगस्त तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि की संभावना जताई है। पूरे प्रदेश में 19 अगस्त तक 675 mm बारिश होनी थी, लेकिन अब यह 470.1 mm बारिश हुई है, या औसत से 30% कम है। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कम बारिश की वजह से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि विभाग किसानों को मक्का बोने की सलाह दे रहा है, इसके लिए फ्री में मक्का के बीज दिए जा रहे हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया है कि 22 से 26 अगस्त तक उत्तर बिहार के एक दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, वज्रपात की भी आशंका है। मौसम की स्थिति को देखते हुए आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज पटना में पूरे दिन मौसम शुष्क बना रहेगा, बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शनिवार को भी पटना में सुबह से धूप और उमस ने लोगों का बेहाल कर दिया है, जबकि दोपहर बाद बादलों की आवाजाही से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। अब आपको ये बता दे चले कि 24 घंटे में कहां पर कितनी बारिश दर्ज की गई है। गया में 50, सुपौल में 25.4, सरमेरा नालंदा में 62 mm और डेंग ब्रिज सीतामढ़ी में 55 mm, हायाघाट दरभंगा में 42 mm, निर्मली सुपौल में 37 mm और गिरियख नालंदा में 33.6, पुपरी सीतामढ़ी में 30.5, मोतिहारी पूरी चंपारण में 28.4, फतेहपुर गया में 39। मौसम विभाग पटना के अनुसार फिलहाल मानसून टर्फ रेखा गंगानगर नरनौल दतिया सतना उत्तर छत्तीसगढ़ के पास निम्न दबाव के क्षेत्र बालासोर से होकर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक प्रभावी है। इस दौरान ऐसी संभावना है कि अगले दो से तीन दिनों तक यह अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर खिसक कर उत्तर बिहार से होकर गुजरेगी, जिसके कारण से सुबह में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।